ये देखिए अब इसको भी काटेंगे। उसके बाद फिर बनाएंगे। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस देख सकते हैं हम अभी घर में, और अभी सुबह हुआ है, सुबह का 6 या 7 बजते होंगे, देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सा धूप है। तो गाइस चलिए और ब्यूटी को देखते हैं कहाँ पे है। सरू देखिए वहाँ पे गाड़ी चला रहा है, तो देख लिए होंगे। और देखिए यहाँ पे ब्यूटी है, ठीक है। देखिए उधर सर क्या कर रहे हैं, ठीक है ब्यूटी। ये देख सकते हैं ब्यूटी ब्यूटी है, और ब्यूटी के दादी अंडा बना रही है, और ब्यूटी वहाँ पे बैठी है, ब्यूटी अंडा बना रही है, देख सकते हैं। ब्यूटी हाय कर दे, चलिए ब्यूटी से मिलते हैं। देखिए बाय कर रही है, कुछ कर रही हाय गाइस बोले। हाय गाइस, देखिए सर वहाँ पे बोल हाय। हाय गाइस, कौन सी बनाया था अंडा, देखा अंडा, ये बोला देखा अंडा, देख सकते हैं अंडा। ब्यूटी अंडा बना रही है और मम्मी बना रही है ब्यूटी का अंडा, खाएगी, देख सकते हैं वहाँ पे अंडा। देख सकते हैं गाइज ये अंडे को उबाला जा रहा है। यहाँ तो गांव में गैस वगैरह तो नहीं होता है, होता है लेकिन गैस वगैरह तो मतलब लाए नहीं है, गांव में ये चूल्हा पे ही बनता है। तो देख सकते हैं कढ़ाई में अंडा उबाला जा रहा है, इसको उबाल करके बनाएंगे। देखिए कुछ अलग ढंग से अंडा को बनाया जा रहा है, देखिए उबाला जा रहा है प्लास्टिक में पैक करके। हालांकि प्लास्टिक में पैक करके उबालना नहीं चाहिए था, लेकिन मम्मी ने उबाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है सुबह का नाश्ता, और भाभी रोटी बना रही है और मम्मी ये अंडा का सब्जी। तो आज सुबह का नाश्ता बन रहा है, तो चलिए हम सब मिलके खाएंगे। देख सकते हैं गाइस फाइनली ये अंडा उबल चुका है, देख सकते हैं थाली में। अब इसको काट के पीस पीस बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको तालेंगे, मतलब कढ़ाई में, उसके बाद फिर बनाएंगे, देख सकते हैं। ये दोनों को देख सकते हैं आराम से। ये सरू है, ये ब्यूटी है, हाय कर ब्यूटी, देखा अंडा हम लेके देखा देखा है ना उठा के देखा। देखिए ये देख सकते हैं काट रहे हैं, ये देखिए अब इसको भी काटेंगे। ये मुर्गा देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली वो तल रहा है अब,
और अंडा देख सकते हैं वो थाली में तला हुआ है और यहाँ पे कढ़ाई में तल रहा है। देख सकते हैं ये तल रहा है। देखिए गाइस बन चुका है, आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए। हेवी या बहुत स्वादिष्ट है, आप लोग भी खा सकते हैं। गाइस तो अभी देख सकते हैं, अभी हम यहाँ आए हुए हैं जो दाढ़ी बाल बनाते हैं उसके पास, तो थोड़ा सा दाढ़ी वगैरह सोच रहे सेविंग करा लेंगे और थोड़ा बाल भी सेविंग करा लेंगे, इसलिए आए हैं। देखिए ये अभी एक आदमी का बना रहा है, उसके बाद मेरा ही नंबर है, तो बताइएगा किस कटिंग का चूल बनाया और दाढ़ी बनाया, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए कुछ अपने तरीके से बनवा लेते हैं नॉर्मल में। और फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, हम अपना बाल और दाढ़ी का सेविंग करा रहे हैं, तो कैसा लगेगा मेरा बाल और दाढ़ी सेविंग कराने के बाद तो बताइएगा, और हम कैसा लगेंगे ये भी बताइएगा। और कुछ मेरा गांव का ये अगल बगल का नज़ारा भी दिखाना चाहते हैं आप लोग को, तो देखिएगा। और देख सकते हैं ऐसे भी हम मेरे सामने उधर हरियाली हरियाली छाई है, और अभी आलू वगैरह लगाने का सीज़न चल रहा है, चना वगैरह का, तो खेत में पूरा हरियाली है, तो देखिए दिखाते हैं पूरी तरह से हरियाली किस तरह है हमारे गांव घर में। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ खेतों में फसल उगा है और कुछ खेतों में अभी फसल नहीं उगा है, जैसे इस खेत में देख रहे हैं फसल नहीं उगा है, अभी फसल लगा हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से उग नहीं पाया है, और ये सब खेतों में देखिए अभी दिख रहा होगा कि नहीं उगा है, और आगे देखिए ये सब खेतों में फसल उग चुका है, आलू वगैरह लगा हुआ है, तो और इधर देखिए चना वगैरह लगा है, तो कुछ खेतों में अभी फसल उगा है और कुछ खेतों में अभी फसल नहीं उग पाया है। तो बताइएगा कि हमारे घर का एरिया और हमारे खेत खलिहान आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। तो देख सकते हैं गाइस, हमने दाढ़ी और बाल फाइनली बना लिए हैं, और देखिए कटा है तो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा सही काटे हैं या नहीं। देख सकते हैं ये दाढ़ी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेविंग करा लिया, उसके बाद चूल भी देखिए बना लिया, तो बताइएगा कमेंट में कि मेरा दाढ़ी और बाल कैसा लगा आप लोग को। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, हम नहा धो करके तैयार हो गए, ये दाढ़ी बाल वगैरह सेविंग कराए थे ना, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो नहा धो करके तैयार हो गए, और अब वीडियो शूटिंग के लिए चलते हैं। तो शूटिंग के लिए तो दिखा नहीं पाएंगे आपको शूटिंग, क्योंकि हम कैमरा मोबाइल से ही करते हैं, मेरे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल से ही शूट करते हैं, तो कैसे दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को हर चीज़ दिखाएंगे।